नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बहुत समय से मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया और मुझे बहुत सारे कह लीजिए क्वेरीज आ रही थी कि क्या कर रहे हैं आप मार्क्स एंड फार्मा में हो क्या रहा है। इतनी ज़्यादा कह लीजिए 3-4 दिन में तेजी आ रही, मार्क्स एंड फार्मा नहीं भागा, ऐसा क्या कोई नेगेटिव न्यूज़ है या क्या है? तो देखिए दोस्तों, इस शेयर के ऊपर, मार्क्स एंड फार्मा के ऊपर मैं तमाम सवालों के जवाब आपको दूंगा, पहला। दूसरा, मार्क्स एंड फार्मा मैं पर्सनली क्या कह लीजिए स्ट्रेटजी अपना रहा हूँ और मैं क्या इसको रखा हूँ या बेचा हूँ या क्या कर रहा हूँ, और एवरेज के लिए मैं कौन से लेवल्स आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कौन से वो लेवल्स हैं जहाँ एवरेज के लिए मुझे पर्सनली ये स्टॉक बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों, ठीक है। तो मार्क्स एंड फार्मा में अगर आप कह लीजिए अभी भी निवेश नहीं किए हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों, और अगर निवेश कर चुके हैं एवरेज के लिए ढूंढ रहे हैं तो भी ये वीडियो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए मार्क्स एंड फार्मा में मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। मेरी पर्सनल होल्डिंग ये सब मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, अंत तक बनी रहिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव ये वीडियो होने वाली है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम, आगे बढ़ाने से पहले तुरंत लाइक कर दे दोस्तों, आप ऐसा करेंगे औरों को रेकमेंड होगा, इसलिए प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देखिएगा। अब चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आज बाजार में लगभग 1% से ज़्यादा की तेजी थी, उसके बावजूद इसमें 1.5% की गिरावट है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए दोस्तों, ऐसा सिर्फ एक रीज़न के कारण हो रहा है, जो बाजार भाग रहा है ना, बाजार जो भाग रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, जो कह लीजिए आप, जो ये गिरावट हुई है, जो ये माफ कीजिए गिरावट बोल रहा हूँ, ये जो बीजेपी की आपके लिए एग्जिट पोल के बाद गजब की वापसी हो रही है, एग्जिट पोल के बाद जो ओरिजिनल रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें एक गजब की तेजी है, बहुत ही ज्यादा आप कह लीजिए पूर्ण बहुमत से चीजें जीतती हैं, तो इनके रिलेटेड जो स्टॉक्स रहते हैं उसमें तेजी होती है। आप देखिए जो इतने बड़े बड़े स्टॉक जो इतना ज्यादा गिरे हुए थे उसमें आप कह लीजिए गजब की तेजी हुई है, चाहे बजा के एचयूएल देखें, आप बैंकिंग स्टॉक देखें। देखिए इन सब से क्या होता है ना, एक पॉजिटिविटी बनती है पूरी इकोनॉमी में, ठीक है। मार्क्स एंड फार्मा क्यों नहीं भाग रहा है? क्योंकि इसके पास कोई ट्रिगर नहीं है, ये श्योर और एक सिंपल आंसर दोस्तों। क्यों? सबसे बड़ी चीज, इसके पास दोस्तों अभी ₹48 इतना बड़ा हडल है, मैं आपको क्या बताऊं, 48 है, देन 52, ये बहुत बड़े हडल हैं इसके पास, ठीक है। तो क्या ये कभी टूटेंगे? जी हाँ, बिल्कुल टूटेंगे, और मैं आपको बता दूं पर्सनली मैं इस कह लीजिए इस कम ये जो मार्क्स एंड फार्मा है इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल में एक्यूमुलेट करके रखा हूँ, और मैं चाहूँगा अगर ये स्टॉक मेरे को, मैं हमेशा एक चीज़ देखिए, मैं जब कहता हूँ मैं एवरेज करूँगा, आप एक बात याद रखिएगा, मैं हड़बड़ाता नहीं हूँ, आपसे मैं प्लीज़ यही कहूँगा। देखिए जब मैं किसी कंपनी में निवेश के लिए बोलता हूँ, मैं कंपनी के बिजनेस की बातें करता हूँ, मैं स्टॉक की प्राइस की ज़्यादा बातें नहीं करता। मैं कहता हूँ भाई, पहली दो राय रखता हूँ, पहला बिजनेस देखो, ठीक है, बिजनेस देखो, मैनेजमेंट देखो, ये सब देखो। दूसरा आप ये देखो कि उसका सेक्टर किस तरह काम कर रहा है, क्या वो थोड़ा दबाव में है। तीसरा चीज, अपने 52-week हाइक से काफ़ी वो नीचे आना चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ हो जाए ना दोस्तों, उसके बाद आप याद रखिएगा, आप एकदम कंफर्म हो जाए कि भैया अब तो मैं स्टॉक में निवेश करूंगा। उसके बाद एवरेज के लिए मैं मानता हूं, ये तो देखिए जो दोस्तों, ये ना थोड़ा सा कह लीजिए स्मॉल कैप स्टॉक है, इसीलिए इसमें मैं एटलीस्ट 15% का, जब तक कोई भी फॉल नहीं आता, ठीक है, 12-15% का कोई भी फॉल नहीं आता, कोई भी एवरेज नहीं करता, और प्लीज कोई भी एवरेज मत करिए, और खासकर कि इतने वॉलेटाइल बाजार में दोस्तों, जिस तरह से इतनी वॉलेटिलिटी बाजारों में है इस वक्त, कोई भी हड़बड़ी अगर आप एवरेज में करेंगे तो जब एक्चुअल में प्राइसेस आते हैं काफ़ी अच्छे, मैं बता दूं कोई भी आपके पास ना कैश बचेगा, और वो कह लीजिए इतना अच्छा मौका आता है उसमें निवेश करने का। और देखिए मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, आपको मैं दिखाऊँ, मैं इसे थोड़ा साफ करूँ, 1 मिनट गाइस, ठीक है। आपको अगर मैं इधर दिखाऊँ, आप इधर देखें, इसमें गिरावट अगर मैं दिखाऊँ पिछले एक महीने में, ठीक 12% से ज़्यादा की हुई है, इसने 43 के आसपास किया। मैंने आपको याद होगा कहा था कि भाई अगर आपने एवरेज नहीं किया है तो प्लीज़ एवरेज करने के लिए 40 से लेकर के 42 के बीच का रेंज काफ़ी अच्छा है, अगर आए तभी कीजिए, वरना प्लीज़ मत कीजिए। और अगर आप नया निवेश करना चाहते हैं
बहुत अच्छा रेंज है, प्लीज न्यू इन्वेस्टमेंट, नया निवेश जरूर से जरूर करें और पहला चंक आप जरूर निवेश करें। अब देखिए उसी के बाद क्या होता है, ये गया 44 के आसपास, आपको ये ऑलरेडी कितना रिटर्न दे चुका, 8% ज्यादा की रिटर्न दे चुका। क्योंकि देखिए स्मॉल कैप के साथ ऐसा ही होता है, ये गिरते भी बड़े भयंकर है, ऊपर भागते तो भी बड़े भयंकर भागते हैं, ठीक है इतना भागे, लेकिन अब वो ट्रिगर पॉइंट स्टॉक के साथ नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं कहूंगा अगर मुझे वापस ले, मैं चाहता हूँ ये 40 रुपए के आसपास आए दोस्तों, 38 to 40, ये वो लेवल है जहां मैं पर्सनली एवरेज करने वाला हूँ, क्योंकि यही वो रेंज है, अगर ये गिरता है तब जाकर के मेरे 12 to 15% के बीच के रेंज में आएगा, और अगर ये आएगा मैं फिर एक एक्यूमुलेट करूंगा। दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, और ये स्टॉक कितना अच्छा है मैं जरा आपको इसको बताता हूँ। देखिए ये सब तो चीज़ें फिर भी ठीक है गाइस, ठीक है, स्मॉल कैप स्टॉक है, स्टॉक की पी एवरेज से कितनी सस्ती है आप देखें, 20 की इंडस्ट्री पी है, ये अभी 8 की पी पे चल रहा है, यानी काफ़ी सस्ता है। डिविडेंड ये कंपनी वाकई पे करती है 0.5% का। आर ओ सी में ज़रा नज़र डालिए, फेस वैल्यू 1 रुपये की है, डेट टू इक्विटी ना के बराबर है दोस्तों, प्लेज परसेंटेज बिल्कुल नहीं है, प्रमोटर तगड़ी होल्डिंग रखता है, फ्री कैश फ्लो 3 साल में 321 करोड़ है, सेल्स ग्रोथ 3 सालों में 14.7% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20.7% का ऑन एन एवरेज है। देखिए बिजनेस अभी प्रेशर में, ये बात मैं जानता हूँ, यूएसए का बिजनेस काफ़ी प्रेशर में, सब चीज़ें हैं, लेकिन देखिए जब हम निवेश करते हैं ना वो उसी समय करते हैं जब सेक्टर प्रेशर में हो, जब सब चीज़ें प्रेशर में हो। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये कंपनी मुझे क्यों पसंद है, आप देखिए ज़रा इसकी बैलेंस शीट देखिए, इसकी बैलेंस शीट देखिए 1900 करोड़ के आसपास का दोस्तों ये पूरा मार्केट कैप है, और इसका ज़रा आप कैश रिजर्व देखिए, 1000 करोड़ का कैश रिजर्व है इसके पास दोस्तों। और ऐसी कैश रिच कंपनी में अगर निवेश नहीं करेंगे तो कहां करेंगे, ठीक है, सेक्टर प्रॉब्लम में है मानता हूं मैं, लेकिन देखिए निवेश ऐसे ही होता है। और मैं देखिए ये मैं अपनी पर्सनली राय कह रहा हूं, ठीक है, स्मॉल कैप में निवेश करने का अपना जोखिम होता है दोस्तों, और जोखिम क्या है कि उसमें ह्यूज वॉलिटिलिटी रहती है, काफी तेज गिरावट होती है और काफी तेजी भी होती है, लेकिन अगर गिरावट में आप इतना ज्यादा सहम जाएंगे, आप स्मॉल कैप में प्लीज निवेश मत सोचें, ठीक है। और आप देखें इसकी बोरोइंग कुछ नहीं, सिर्फ 41 करोड़, यानी है ही नहीं बोरोइंग, ठीक। आपको मैं बता दूं इसमें नीचे अगर मैं जाऊं होल्डिंग में, प्रमोटर की होल्डिंग में, ठीक है, उससे पहले आप देखिए डेबिटर डेज, इन्होंने कितने अच्छे से अपना देखिए डेबिटर डेज को कम करके 72 कर दिया है, ठीक है, डेबिटर डेज को घटा करके, ठीक। और आपको आगे दिखाऊं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, आप देखिए मार्च 19 के बाद से 1% की भी या 0.1% की भी गिरावट आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। FIIs कह लीजिए अपना माल बेचे हैं, DIIs अपना माल बेचे हैं, पब्लिक ने माल खरीदा उसके बाद गिरावट हुई है। अब आप देखेंगे आने वाले 1-2 क्वार्टर में चुपचाप से FIIs और DIIs अपना माल इसमें उठाएंगे दोस्तों, ठीक है। मैं एक चीज मानता हूँ, जब पब्लिक की होल्डिंग इतनी ज्यादा हो जाती है ना, बड़ा ही डर का माहौल हो जाता है, लगता है कि अब कंपनी गिरने वाली है। देखिए अभी उन लेवल्स में, देखिए जब 72-70 रुपए थी मैंने भी कहा था बहुत ह्यूज वैल्यूएशन है, अभी प्लीज खरीदारी मत कीजिए। 50-52 के आसपास से, जब ये कह लीजिए मुझे याद है 68 के आसपास से मैं इस पर खरीदारी की राय दे रहा था, और उसके बाद आपको पता है बाजार में इतनी भयंकर गिरावट हुई, कोई स्टॉक नहीं बचा, तो भैया ये तो फिर भी स्मॉल कैप स्टॉक था, ठीक है। तो उस तरह की बात हुई। मैं फिर कहूँगा फॉर अ लॉन्गर टर्म मैं आज भी बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ दोस्तों मैक्सिम फार्मा में, ठीक है। अभी ये सेक्टर काफ़ी कंसोलिडेट हो रहा है, काफ़ी साइडवेज जा रहा है, लेकिन मैं कहूँगा आराम आराम से एक्यूमुलेट करें, ठीक है, आराम आराम से एक्यूमुलेट कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा कह लीजिए मौका देगा फॉर अ लॉन्गर टर्म ये स्टॉक। और अगर आपको कह लीजिए अगर इतनी वॉलिटिलिटी कह लीजिए या इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव से आप कह लीजिए अपनी साइकी को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आपको ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक से दूर रहना चाहिए। बट अगर आप कर पाएंगे, ये फॉर अ लॉन्गर टर्म बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टॉक है दोस्तों। तो अगर आपको ये मेरा पूरा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।